वेलकम व्यूवर्स कैसे हैं आप आज किस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एम एस वर्ड पावर पॉइंट या एक्सेल कोई भी एम एस ऑफिस के प्रोडक्ट के ऊपर आप कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं एक्चुअली एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि अगर डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल है कोई पेपर है या कोई सेक्रेट डेटा है उसके अंदर तो उसको आप पासवर्ड लगा के प्रोटेक्ट कैसे करते हैं उसका एक्सेस लिमिट कैसे करते हैं दोस्तों स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं इस टेक्निक को समझने के लिए स्टेप्स को वन बाय वन आप एंड तक इस वीडियो को देखें तो होपफुली आपको ये सारा प्रोसेस इजिली समझ आएगा एमएस ऑफिस का कोई भी वर्जन हो 2007 हो 10 हो 11 या उससे लेटेस्ट कोई भी वर्जन हो तो सबके अंदर ये ऑप्शन है और आप इजिली अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड लगा सकते हैं दोस्तों ये सीखने के लिए चलते हैं एम एस वर्ड की तरफ दोस्तों देखिए यहां डेस्कटॉप पे ये एक फाइल पड़ी है एमएस वर्ड की इसको मैं ओपन करता हूं सबसे पहले तो इसको ओपन होते हुए डायरेक्ट ये ओपन हो गया इसमें कोई पासवर्ड लगाना ही है ये इजिली एक्सेसिबल है और मैं चाहता हूं कि इस डॉक्यूमेंट को कोई और एक्सेस ना कर सके इसको मैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना चाहता हूं तो सिंपली सबसे पहले दोस्तों आपने यहां पे जाके फाइल पे क्लिक करना है फाइल पे क्लिक करने के बाद जब आप डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम क्रिएट करोगे तब कभी ना कभी आपको सेव करने की ऑप्शन आपको यूज करना पड़ेगा नौबत आएगी उस डॉक्यूमेंट को सेव करने की तो सेव एज करेंगे और यहां पे ऑप्शन है ब्राउज का तो यहां पे आप क्लिक करें ब्राउज करके आपने डिसाइड करना कि आप कहां पे रखना चाहते हो ये डेस्कटॉप के ऊपर ही मैंने रखा हुआ यहां से डेस्कटॉप और सर्वे क्वेश्चनेर को तो यहां पे सर्वे क्वेश्चनेर और यहां से मैं लिखता हूं पासवर्ड uh, प्रोटेक्टेड इस तरह आप uh, लिखें इसको रिनेम करें उसके बाद यहां पे आपने टूल्स का ऑप्शन है यहां पे आके क्लिक करना है और यहां पे बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको मिलेंगे सेव ऑप्शन जर्नल ऑप्शन और कंप्रेस पिक्चर्स का इन को छोड़ यहां पे जर्नल ऑप्शन का ऑप्शन यहां पे ऑप्शन उप्षयन है ऑप्शंस का इस पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद यहां पे आपने पासवर्ड ये कह रहा है कि जनरल ऑप्शन में फाइल इंक्रिप्शन ऑप्शंस ऑप्शन फॉर दिस डॉक्यूमेंट पासवर्ड ओपन करते हुए आपको क्या पासवर्ड देना चाहिए मैं यहां पे पासवर्ड देता हूं एक नाम लिखता हूं फाइव करेक्टर मैंने नाम लिखा नेम एंड सेकंड क्या है जी फाइल शेयरिंग ऑप्शंस फॉर दिस डॉक्यूमेंट इफ यू वांट टू शेयर दिस डॉक्यूमेंट उस वक्त कौन सा पासवर्ड चाहिए होगा दिस इज फॉर ओपनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट और दिस इज पासवर्ड टू मॉडिफाई इफ यू वांट टू चेंज अपडेट और राइट समथिंग इन अ डॉक्यूमेंट लेटर ऑन तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा तो मैं सेम पासवर्ड रखता हूं यहां पर सेम पासवर्ड उसके बाद मैं करूंगा यहां पे ओके okay. तो यहां पे री इंटर पासवर्ड टू ओपन ये वाला पासवर्ड जो है फर्स्ट वाला ओपन करने के लिए कौन सा पासवर्ड का इस्तेमाल होगा आई यूज टू इंटर द सेम पासवर्ड फॉर ऑल ऑप्शन उसके बाद कहते कि यू हैव टू एंटर सेकंड पासवर्ड फर्स्ट और सेकंड डिफरेंट भी हो सकते हैं बट मैंने सारा सेम रखा हुआ है उसके बाद आप करेंगे जी ओके देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन तो ये डॉक्यूमेंट अभी सेव हो चुका है लेट्स क्लोज इट एंड चेक इट सर्वे क्वेश्चन के नाम से यहाँ पे सर्वे पासवर्ड प्रोटेक्टेड दिस इज़ द न्यू डॉक्यूमेंट राइट क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन ओपन इसको चेक करना है हमने तो ये पासवर्ड मांग रहा है आपसे इंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल अब ये पासवर्ड मांग रहा है इंटर ओपन फाइल और ओपन फाइल के लिए जो पासवर्ड सेट किया है वही पासवर्ड हम इंटर करेंगे उसके बाद ओके फिर पूछ रहा है कि मॉडिफाई करने के लिए कौन सा पासवर्ड आपने यूज किया है टू पासवर्ड हैं एक्चुअली तो सेकंड पासवर्ड भी हम इंटर करेंगे और मैंने सेम रखा है सारा अगर आपको भूलने की आदत है तो जो भी ऑप्शन है उनमें एक ही पासवर्ड रखें देन क्लिक ऑन ओके तो ये आपके पास ओपन हो चुका है सो दिस वे यू कैन एक्सेस यूर डॉक्यूमेंट ये कोई पेपर भी हो सकता है और इस तरह कोई सेक्रेट डेटा हो सकता है आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आई होगी समझ आई होगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए